के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से, कैंपों के माध्यम से हम बच्चों के अंदर जो भय है ना, या जो किसी प्रकार की उसमें साहस पैदा करना, एडवेंचर्स जो कार्यक्रम जो होते हैं वो सब उन्हीं के हिस्सा है। तो आपके अंदर जो भी प्रतिभा छिपा हुआ है उसको बाहर लाने का काम स्काउट गाइडिंग कर रहे हैं। कोई अच्छे गायक हो सकते हैं, कोई अच्छे पेंटर हो सकते हैं, कोई अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, कोई अच्छे गोविंदा हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार की कलाएँ हैं। तो स्काउटिंग एक ऐसी गतिविधि है जो आपके अंदर जो भी प्रतिभा छिपे हुए आपको भी नहीं मालूम। कभी कभी ये रहता है कि मेरे अंदर क्या प्रतिभा है ये भी नहीं मालूम है। किसी को गाते देखते हैं, किसी को एक्टिंग करते देखते हैं तो अपने अरे तो मैं भी कर सकता, मैं भी कर सकती हूँ, ऐसी बात अंदर से आती है। और फिर लोग अपने अकेले कार्यक्रम नहीं होता, किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल कार्यक्रम नहीं होता, वो ग्रुप में होता है, पेट्रोल में होता है, ट्रोली में होता है। तो ग्रुप में हम एक दूसरे को देख के सीख जाते हैं। तो इस प्रकार के स्काउटिंग गाइडिंग के माध्यम से बच्चों का एक चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण, शारीरिक विकास, स्वास्थ्य के बारे में, सारी चीज के बारे में स्काउटिंग गाइडिंग में आपको प्रशिक्षण भी दिया जाता है और गतिविधियां भी कराई जाती हैं। इसलिए प्रत्येक बच्चों को स्काउट गाइड से जुड़ना चाहिए। अब तो जो बच्चे हैं स्कूल का, पहले 32 बच्चों का ही रजिस्ट्रेशन कराते थे, अब चूंकि शुल्क का एक अंशदान जमा होता है तो आप कितने भी दल, आपके पास टीचर्स होना चाहिए, कितने भी दल पंजीकृत करा सकते हैं और पूरे स्कूल को आप संचालित स्काउट गाइड से जोड़ सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से आपके व्यक्तित्व निर्माण का, देश के उत्तम नागरिक बनाने का एक पाठशाला है, जो खेल खेल के माध्यम से, गीतों के माध्यम से आपको जानकारी दिया जाता है। तो इसको सबसे पहले जो तीन जो इनका सिद्धांत है, उद्देश्य है कि हमारा स्वयं के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। हम एक देश के नागरिक हैं, एक माँ बाप के बच्चे हैं, विद्यालय के बच्चे हैं, तो मेरा क्या अपने प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए उसका बोध कराने वाली संस्था है। दूसरा है कि हमारा समाज, जिस समाज में हम रहते, जिस राष्ट्र में हम रहते, जिस देश में हम रहते, जिस प्रदेश में हम रहते हैं, उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये बोध कराने वाली संस्था। उसके बाद जो हमारे इस मानव शरीर को, इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को रचने वाला ईश्वर है, जिसको हम सब मानते हैं, अभी सर्वधर्म प्रार्थना के माध्यम से उनको याद किए, उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, इनका भी बोध कराने वाला ये भारत स्काउट गाइड की संस्था है। तो इसलिए अगर विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, देश के स्तर पर अपना पहचान बनाना चाहते हैं, तो भारत स्काउट गाइड से एक से एक आपको कार्यक्रम मिलेंगे, जैसे एडवेंचर्स है, हाइक है, स्काउटिंग इज आउटिंग, आउटिंग ही स्काउटिंग है। आपको बंद कमरे में कोई प्रशिक्षण नहीं मिलेगा, बाहर जाओगे तो आपको नदी के किनारे, तालाब के किनारे, पेड़ की छाया में बहुत सारी गतिविधियाँ आपको कराएंगे, है ना, चाहे नौकरी हो, जैसे बताया ना कि आपको फिर घायल हो जाता है, उनकी रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी, पत्तियों के बारे में जानकारी, रस्सी का उपयोग हम कहाँ कहाँ कैसे कर सकते हैं, विषम परिस्थिति में हम कैसे अपने जीवन यापन कर सकते हैं, अपना भोजन कैसे बना सकते हैं, कैंप में जाओगे तो आपको अपना भोजन स्वयं बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार के स्वावलंबन का भी गुण आप हमारे स्काउटिंग गाइडिंग के माध्यम से आप सीखने को मिलेगा। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, जब तक स्काउट गाइड से नहीं जुड़ोगे, उनके कैंप में नहीं जाओगे, तो भाषण के माध्यम से हम स्काउटिंग गाइडिंग को नहीं समझ सकते। तो कैंप पे जाइए, स्काउटिंग गाइडिंग से जुड़िए, अपने दल से जुड़िए, अपने टीचर से जुड़िए, अधिकारियों से जुड़िए, वो आपको प्रशिक्षित, आपके स्कूल में टीचर्स नहीं है कोई बात नहीं, हमारे पास और अन्य स्कूल में टीचर्स हैं, उनसे संपर्क करें, उनको बुलाएं, एक दिन संडे को, सैटरडे को एक घंटे का कार्यक्रम होता है, एक घंटे का, उसमें आप सीखिए। अगर आपके अंदर लालसा होगी, कुछ जानने की इच्छा होगी, तो निश्चित रूप से आप इस स्काउटिंग को जानेंगे और उससे जुड़ कर काम करेंगे, तो आपका व्यक्तित्व निर्माण होगा, चरित्र निर्माण होगा, एक सामाजिक
गुण पैदा हो। हम आज के परिवेश में मोबाइल टीवी के अलावा हम बाहर खेल नहीं पा रहे, अपने घर परिवार तक सीमित हो जा रहे हैं। अपना एक अच्छा जो पहले मित्र मंडली बना हुआ लगता था, वो मित्र मंडली से वंचित हो रहे हैं। तो इस स्काउटिंग एक ऐसे माध्यम बनेगा कि आपको अपने परिवार के साथ साथ स्काउट परिवार और देश के परिवार और विश्व परिवार से भी आपको जुड़ने का एक अवसर मिलेगा। तो आप सब स्काउटिंग को अपनाइए, अपने जीवन में अपनाइए, तो निश्चित रूप से अपने अंदर एक परिवर्तन आप सबको देखने को मिलेगा। ज़्यादा न बोलते हुए और कभी अवसर मिलेगा और बातचीत करेंगे, कोई केम्प में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।